अस्सलाम वालेकुम अशमेला वसीम, कैसे हैं आप? सब जी, अभी सुबह का टाइम है, हुज़ैफ़ा मेरा कह रहा है मामा मैंने बाकल खानी खानी, कभी कहता मैंने रस खाना, तभी शॉप पे चलते हैं जी, जो वो कहता है उसे वो ले देंगे। और साथ वसीम कह गए थे आज आपने ना आलू की टिक्किया बनी, खाली आलू की, कहते चिकन वगैरह नहीं डालना, सिर्फ आलू की टिक्किया बनानी। मैंने कहा चले ठीक है, तो अभी जी जाके आलू भी ले आए थे, मैंने कहा जाना तो है ही है, एक ही गली में दुकान है, तो आलू भी ले आऊँगी और साथ में जाकर ना हुज़ैफ़ा जो कहेगा वो ले लेंगे। तो अभी चलते हैं, दोनों बहन भाई पर चले भी गए, वो साइकिल लेके चला गया, वो मानो मेरी उसके पीछे पीछे चले गया। तो अभी चलते हैं जाके, वो जो कहता है उसे वो लेके देते हैं, साथ सब्जी भी ले आते हैं। हाँ जी, जाके बाकर खानी लेके आते। भाई कह रहे मैंने बाकर खानी से नाश्ता करना चाहिए। बाकर खानी आपने क्या खाना है? उसने क्या चाहिए तो खाना जी, अभी हम लोग चलते हैं लेके आते हैं। वो साइकिल पे जा रहा, उसने साइकिल भाई निकाल ली। चलो निकालो निकालो, जल्दी करो। रस खाने के बाकर खानी, बाकल खानी, चलो अभी बाकल खानी लेते हैं, साथ आलू लेने हैं। अभी हम लोग तो चलते हैं शॉप पे लेके आते हैं। अंडे भी ले लिए टिक्कियों के लिए, और बाकर खाने के लिए वो बाकर खाने के लिए रखा। हुज़ैफ़ा की साइकिल पे जी मैंने अंडे और बाकर खाने रख दिया, साइड पे आलू सब्जी लटका दी। ठीक है ना, चल रही है साइकिल सही? ये तो सही फायदा, ठानी नहीं पड़ी मुझे। वाह भाई वाह, सब कुछ जब भी हमने ले लिया, हम लोग जा रहे हैं घर, है ना। मानो की चीज़ मानो को पैसा, घर जाके खोल के दूंगी। हुज़ैफ़ा को ना पहले दूध निकाल के चाय बना के बाकर खानी दे दो, उसने मेरी जान खाई हुई है। मुझे पहले बाकल खानी दे दो, मुझे चाय बना के बाकल खानी दे दो, उससे पहले मैं चाय बना के ना फ्री कर दूँ, फिर अपने आलू रखती हूँ टिक्किया बनाने के लिए। हुज़ैफ़ा के जो बाकर खानी चाय है ना मैंने रेडी कर दी है, बिल्कुल खेल है तो उसे कोई ना, उसके पास इधर आ जाओ, अब इधर बैठ के खाओ। नान की मैंने रख दिया, अभी मैंने कहा आलू बॉयल कर लूँ, लाइट चली गई है। दो से कोई ना जफ़ा दे दो उसे, शाबाश खेलो, ले लो ले लो। और यहाँ जो आलू है ना वो बॉईल होने के लिए रख दिए, आलू बॉईल होते हैं उतनी देर में अपना सारा मसाला रेडी करती हूँ। दोनों बहन भाई बाहर खेल रहे हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ना भी स्कूल गया। ये बाकर खानी अंदर भी बैठ के खा सकते, नहीं हर चीज आगे पे शुक्र बाथरूम में नहीं, साइकिल पे जाते, साइकिल की टोकरी में रखे फिर खानी। नो 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 मानो नो, बुरे काम गंदे काम नहीं करते हो। देखो ना रात को बारिश हुई थी, उसका पानी पड़ा, हाथ मार मारूंगी मैं। चलो खेला तो मैं अंदर टिकिया वगैरह तैयार कर रही हूँ, टिकिया का सामान जो आलू जी अभी बॉईल हो रहे हैं, मैंने यहाँ पे सारा कुछ काट लिया। धनिया नहीं, प्याज, हरी मिर्चें, जीरा, नमक, ये तो धरा मिर्च जिसको कहते हैं, सूखा धनिया, हाँ, और ये है गरम मसाला पिसा हुआ। तो अभी आलू हो जाए फिर ये सारी चीज़ें उसके अंदर डालेंगे। मानो मेरे के हाथ बहुत चल रहे हैं, करी मुझे दे दे सारा कुछ। लाइट ही नहीं आ रही, तो मोबाइल क्या देख रहा है आपने? ये थोड़ा सा दही पड़ा था, तो वसीम बच्चों के लिए नहीं लेके आते, तो उसके अंदर मैंने ना वो डाल लिया हरी मिर्ची और धनिया का पेस्ट बना के। तो हनान आएगा ना, हनान से पूछ लेंगे, अगर हनान कहेगा तो क्या उसका नाम है, आए हाय किधर है, तो कसम से इसकी जान को सुकून नहीं, अभी गिर जाना था। हनान को वो बता दूंगी बाकर खानी, वरना मैंने तो ना नान और टिक्की खानी है रायते के साथ, बहुत मजा आएगा। तो अभी आलू हो रहे होते हैं ना, फिर जो मसाला मैंने रेडी किया बखेरे को थोड़ा गुनौर कर, पता नहीं क्यों किससे ऐसे होता है नया, जब कुछ भी बनाते हो इतना किचन में बुखेरा डल जाता है, जितना मर्जी डालू नहीं डलने दूंगे नहीं, पर फिर भी फिर जब लास्ट हो जाता फिर मैं कहती हूँ चल अब सारा खत्म करके ना खाना सारा बना के फिर भी बर्तन वॉश करूंगी, तभी भी देखें कितना बुखेरा पड़ गया। क्या किया, सिर्फ दो चार सब्जियां ही कटिंग की है ना, ये चीजें वगैरह फिर भी। तो अभी बस हनान आने वाला है, आलू देखे आलू भी उबल रहे हैं, बस आलू यहाँ जी बॉईल हो गया, बस एक काफ़ी बड़ा आलू रह गया, वो अभी कच्चा था, बाकी मसाला वो पड़ा अभी परात में निकाल लिया। तो सारे आलू इसके अंदर डाल के कटिंग करके मैश करके सारी चीज़ें डाल के मसाला रेडी करके आपको दिखाती हूँ। और यहाँ जी फाइनल जो हमारी पिट्ठी है ना वो बन के तैयार हो रही, मैंने इतनी मज़े की बनी है और खुशबू गर्म मसाले की अखीर की आ रही है। तभी जी अपनी टिक्किया बना अपना के प्लेट में रखते हैं, ये जो कालक लगी फ्राई पैन पड़ा अपना इसके साथ, इसको वॉश करते हैं फिर टिक्किया बना के रखते हैं। टिक्कियाँ जी बन गई हैं, ये जो किलो आलू लेके थे ना उनकी सारी बनी है, मैंने थोड़ी ना मोटी मोटी देखे बनाई है, ये पूरी प्लेट भरी है और ये परात बिल्कुल खाली है। तभी इन्हें फ्रिज में रखते हैं, थोड़े ठहरते हैं, तो हम लोग चले नान ले आए। हनान भाई तो लेट आना, अभी भी टाइम है हनान भाई के आने में, वो बार बार पूछ रहे नान भाई ने कब बन, अभी पौना एक हुआ नान भाई ने 1:30 बजे आना है। हाँ तो अभी हम लोग चलते हैं नान ले आते हैं कि खाना छाना खाते हैं, तो इंद्र भाई आ जाएगा। टिक्कियाँ जी आपने देखा बन गई हैं, मैंने कहा टिक्कियाँ ना फ्रिज में रख दूँ थोड़ी देर ठहर जाए, वो भी 3 दो रखती हूँ, ये रखूँगा तो फिर हाथ फ्री होगा, फिर दोबारा प्लेट उठाऊंगे। तो 3 दिन जाके ना मैं अब हुज़ैफ़ा ना नान लेके आते हैं, फिर आके हम लोग ना अपना खाना शाना खाएंगे, बस हम जल्दी जल्दी से नान लेके आइए। हनान के आने में ना काफ़ी टाइम था, मैंने कहा चलो हम लोग नान ले, इतनी देर उन्होंने लगा दी मेरे साथ चलते चलते कि हनान के आने में ना सिर्फ 5 से 10 मिनट रह गए हैं, अभी नान लेके आए हैं।
गरम गरम ही है। मैं टिक्कियाँ फ्राई करने लगी, मैंने कहा चल टिक्कियाँ फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि घंटा लगाते कसम से साथ जाते बाजू दर्द होने लगी है मेरी कसम से। तो अभी तवा गरम हो रहा है, उसके ऊपर टिक्कियाँ फ्राई करती हूँ। लाइट अभी तक नहीं आई, सिर्फ लाइट गई की वजह से गैस इतनी तेज़ आ रही, वरना कुछ ना जो हमारी गैस शाम 5 बजे इस काबिल होती है कि ऊपर ना एक रोटी बन सकती है, वरना सारा दिन भी उसको कहते ना दीवे की लाट बहुत चल रही होती है। तो अभी टिक्कियाँ फ्राई करती हैं, उधर है ना आना जाकर अपना खाना छाना खाएंगे। और ये जी अंडा लगा के टिक्कियाँ मैंने रख दी हैं, अभी बस फ्राई होते हैं तो खाना छाना खाते हैं। टिक्कियाँ भी मैंने फ्राई कर ली, रायता भी निकाल लिया, अपने नान भी तो अभी अंदर लेके चलते हैं, खाना खाते हैं। बिस्मिल्लाह। चलो जी हम लोग अभी अपना खाने लगे हैं खाना। बहुत मज़े की टिक्कियाँ बनी हैं, मुझे तो बहुत भूख लग रही थी, है नान लंच लेके गया था साथ। मैं कहूँ जब हम लोग खाते हैं, अरे हाँ मज़ा आ गया ना। हुजाफा कर, अबू तो इतनी देर से क्यों आता है भाई? भाई को छुट्टी देर होती, भाई बड़ी क्लास में होगा ना। आना जो खा लो, हम खाना खा ले, खाना खा के फ्री हो या ना आंटी की खा ले मेरा बेटा। आजा लंच कर लिया, ठंडा पराठा कर लिया, ठंडा पराठा चल ठीक है। ये टिक्कियाँ मैंने अपना इतना ना बाजार से लेके आया, तू खा ले तेरा हिस्सा अपना। चावल कौन से? दही डाल कर नहीं, उसने नहीं खाने, वो भी पड़ी हुई है तेरी बाकर खानी, वो शाम को खा ली ठीक है, दोनों के लिए लेके आई। चल मेरा बेटा पहले खाना खा ले, अभी स्कूल से आया। गरम बहुत है, अभी तो बना कर लाई हूँ। खाना छाना भी हमने खा लिया, हमने तो नाश्ता किया है, नाने दोपहर का खाया और चाय भी बना कर ली, पर गैस कह रही हूँ लाइट अभी तक नहीं है, लाइट पता नहीं कितने बजे आनी है। चल पी लिया मेरा बेटा, नान खा ले चाय साथ, खाना तो खाना नहीं, लंच लेके गया था इसलिए भूख नहीं लगी। चलो खा लो है ना, उनको स्कूल से आए मुझे काफ़ी टाइम हो गया, खाना छाना भी खा लिया, चाय वगैरह भी हमने पी। तो अभी मैंने कहा जाना है बाजार, मैंने ये जो ड्रेस है ना इसका ना दुपट्टा है ना जो ये पिको करवाना, तो वो कह रहे हैं मामा हमने भी साथ जाना, उन्हें साथ ही लेके जाना था। मैंने फिर भी कह रही हमने साथ जाना है, हमें ना अपने आइसक्रीम खिलानी है वहाँ से। मैं क्या था? चलो ठीक है, तो एक एक कप ले दूंगी और साथ इसके पल्लू देखना बहुत बुरे लगते हैं ना, उस दिन मैं लिया था मैंने बहुत मुश्किल से कवर किया, तो मैंने कहा इसको पिको करवा के आते हैं शॉप से और साथ उन्हें आइसक्रीम ले देंगे। तो अभी चलती है मैं बाया पहन लूँ, फिर हम लोग निकलते हैं। वो देखें जी दोनों भाई अपने अपनी साइकिल पे जा रहे हैं, मैंने कहा भी पैदल हो जाए, अब तो भैया इनके पैदल कहीं जाया ही नहीं जाता ना आप ज्यादा से। हाँ जी बेबी ने अपनी गाड़ी लाई, तो अभी चलते हैं जी, इनको आइसक्रीम लेके देते हैं। मोबाइल छोड़ो, चलो जल्दी चलो भाई, देखो कितना आ गया रात। हाँ चलो चलो, कहाँ चले जाएगी ये, क्या इतना बड़ा मुँह क्यों खोला है? अभी बस शॉप पे चले नहीं, आइसक्रीम लेके देनी, फिर हम लोग वापसी घर आ जाएंगे। चलो जैफा जल्दी चलो, अब देखिए जहाँ जाना हो साइकिल, अभी तो वो कहते हैं अम्मी घर भी साइकिल पे जाना है, है ना भाई? क्या कहता है मेरी मानो ने अपनी गाड़ी लेके है ना मानो। हाँ जी लेने आइसक्रीम में गए थे, वहाँ पे बोले नजर आ गई, दोनों भाई ने बोले ले ली, बल्कि तीनों ने, तो मैंने कहा फिर आइसक्रीम रहने तो एक ही चीज़ ले खेलो। मानो अपने बोल साथ खेलिया, वो दोनों अपनी बोल लेकर नानो घर चले गए, खेलो 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 शाबाश, तो जाओ ट्यूशन जाओ आप लोग, छोड़ दो नीचे नीचे उतारो ना ना कर, चलो 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 बाय बाय कर दो भाई को, बाय बाय। नहीं मैंने नहीं जाना, आप लोग जाओ, बाय बाय जैफा, किधर घुस गया, बाय बाय। वाह भाई वाह, ये वॉच लेके भाई के लिए ना जबरदस्त, और वो क्या ये तो मेरे लिए, थैंक यू आप लोगों ने, भाभी तो कल्लू भी किया मेरे लिए प्यारी माशाल्लाह। मैंने जैफा से कहा था खुद चल जाओ, कहता नहीं मामा आप चले यहाँ पे, तो अभी बाजी के साथ बैठ के मैं मेथी बना रही हूँ, तो असर की जानने और ये बाद में बातें करते हैं। आप भी अभी ना चाय बना कर ले, चाय पीते हैं, फिर थोड़ी सी मेथी रहेगी वो करके हम लोग घर चलेंगे। इधर आ जाओ मानो, इधर आ जाओ मानो ना, वो जग के ढक्कन में ना नींबू डाल के ना, तो वो खेल रही है, तो अभी बाजी के साथ बस मेथी बनाने, फिर हम लोग चलते हैं घर। आओ सोना, राजा भाई की बर्थडे, भाभी ने देखा गिफ्ट लेके आएंगे और साथ चॉकलेट वगैरह मंगवाई, और कहती शाम को सामान काम से आएंगे ना, फिर केक मंगवा कर बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। ओए होए होए, लड़ाई होगी लड़ाई होगी लड़ाई घर। काफी देर बैठ के गप्पे शप्पे लगा ली, साथ मेथी बनाने वाली थी वो बना दी, अभी हम हो गए फ्री। मैं और मानो चलते हैं घर, हनान और जाफा पढ़ रहे हैं ट्यूशन, उन्हें लेट छुट्टी होगी, इस पारा भी ट्यूशन पढ़ के फिर लोग घर आएंगे। मम्मी के घर से जब भी आ गए हम लोग घर, वरदा मेरे इधर वसीम के चार भाई को सो गई है, आते साथ ही घर से मुझे गोदमेल्ट आया, मैंने गोदमेल्ट आया तो सो गई, तो माशाल्लाह से आज है भाई के बर्थडे,
अल्लाह पाक भाई को लंबी जिंदगी दे, से तंदुरुस्ती दे। आमीन सुमामीन। हम पांच बहनें एक ही भाई है, अल्लाह उसे रहती दुनिया तक उनका साया हमारे माँ बाप पर, हम बहनों पर और अपनी बीवी पर सलामत रखे, आमीन सुमामीन। तो शाम को जी जब सेलिब्रेट करनी होगी बर्थडे पर इंशाल्लाह जरूर जाएंगे। मेरे भाई तो बहुत खिलाफ है वीडियो के, मतलब मैं भाभी का भी आफा दूँ, क्योंकि रहें दे हाँ अड्डी कड़ी मुसीबत पई है तो दिखाना है। मैं कहा मैं हाफ हाफ ही दिखा रही हूँ, भाभी मुझे खुद कहती है आप ही ले ले मुझे आफा। तो हम जब भाई ना फिर हम भाभी की वीडियो वगैरह बना लेते हैं, भाभी कहती है बना ले, जब भाई ना फिर वो बड़ा बोलते हैं। तो जाएंगे शाम को, वीडियो हो सके तो बना तो रहने देंगे, अभी मेरा भाई नाराज हो तो फ़ायदा क्या है, एक ही तो आया। हम तो बड़ी कोशिश करते हैं अभी मेरा भाई हमारी तरफ से ना किसी बात से नाराज ना, कभी ऐसी बात हो भी जब मैं सही बताती हूँ भाई को मैसेज करके सॉरी कर देती, अच्छा भाई सॉरी आइंदा से नहीं होगा, कुछ कहकर का मौका नहीं मिलेगा कि वो करके फिर क्या हो गए भी, यही तो हमारा सब कुछ है। वैसे भी हमारा तो एक ही है, हम तो उसी दिन रात दुआ करते हैं अल्लाह से ज़िंदगी दे, हर हर मुश्किल हर बुरे टाइम हर चीज़ से बचा के रखे, आमीन सुमामीन। तो अपनी वीडियो करते हैं यहीं पर एंड। बच्चे ट्यूशन पढ़ने गए, वर्दा सो रही है, मैं थोड़ा घर को साफ सुथरा कर लूँ, ये देख लें बस सारा दिन यही तो कि गाड़ी इधर बैठ इधर साइकिल उधर ये वो बस इसी चक्करों में लगे रहते हैं। चलें कोई नहीं, इन्हीं के साथ रोन के हैं। तो अपने व्लॉग के करते हैं यहीं पे, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल एक नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।